तो चलो प्यारे बच्चों, ये देखो कि ये व्हीकल इज फिल्ड विद एयर हैविंग प्रेशर, प्रेशर पी वन इज इक्वल टू 270 किलो पास्कल, और जब टेम्परेचर टी वन था 27 डिग्री सेल्सियस। 27 और 273 इसमें ऐड कर दोगे तो भाई कितना होगा, 300 केल्विन आ जाएगा। जब हमने प्रेशर फाइनली हमें निकालना कितना हुआ, वी डोंट नो अबाउट इट, जब टेम्परेचर टी टू हुआ 36 डिग्री सेल्सियस, तो 36 डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 309 केल्विन। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे तुम देख रहे हो बाइक की टायर है, तो टायर इस तरह से टायर और ट्यूब इस तरह से होते हैं, तो जब तुम एयर इसमें भरोगे तो प्रेशर तो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है, तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो तुम देखोगे कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन से देखोगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर फाइनल, यहाँ से तुम लोगे इसको तो टेम्परेचर फाइनल, यहाँ से टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर यहाँ से इनिशियल, तो अगर टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, तो प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइनल मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर इनिशियल और टेम्परेचर इनिशियल, तो अब सारी वैल्यू रख दो, तो प्रेशर फाइनल टेम्परेचर फाइनल की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 309, और मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर इनिशियली कितना है 270 केल्विन, डिवाइडेड 270 किलो पास्कल था ना, और टेम्परेचर इनिशियल 300 था, तो ये पूरा जो है जब कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन में आ जाएगा 278 किलो पास्कल। तो 278 किलो पास्कल जो है, इस हिसाब से मेरा सी ऑप्शन सही हो जाता है और ये सारे गलत हो जाते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।